नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इंसा का सच। काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में, क्या होता था वहाँ पर जाते थे और बताते हैं कि आखिर होता क्या था गुरु जी के यहाँ पर। आज भी वो गुरु जी के यहाँ पर ज्यों के त्यों बने हुए हैं, आखिर क्या कारण है उनका इस तरीके से ही अपने जो अटल विश्वास का और गुरु जी पे इतना ज़्यादा विश्वास का आखिर क्या कारण, जानते लोगों से। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर? रूपचंद। सर, डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हो जी, कितना समय हो गया आपको? लगभग लगभग 20 साल के करीब हो गया। सर, 20 साल एक बहुत लंबा समय होता है। क्या देखा आपने गुरुजी के यहाँ पर जो आज भी आप यहाँ पर हमारे साथ खड़े होके ये कहते हैं कि मैं बयान दूंगा गुरुजी के लिए, आखिर या इतना विश्वास क्यों? धन धन सतगुरु तेरे आसरा। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है जी, आप लोग फैक्ट टाइम्स के जो इंटरव्यू लेते हैं वो फैक्ट होता है, रियल में होता है, वास्तविकता दिखाते हो, इसलिए आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि आजकल और भी चैनल हैं, सरकारी चैनल बने हैं, कुछ और चैनल हैं, वो सच को नहीं दिखा पाते, वो झूठ को उजागर ज़्यादा करते हैं। सच्चाई जानने के लिए आप सभी अगर जानना चाहते हो सच्चाई को, तो एक बार ज़रूर डेरा सच्चा सौदा में जा कर देखिए सच्चाई क्या है। आज तक वहाँ पर हमें अच्छाई अच्छाई मिली है, बुराई कोई मिली नहीं है। जैसे कि हम शुरू में जुड़े थे, हमें भी ये लगता था पता नहीं क्या होता है, कैसे है, क्या है क्या नहीं। हम लोगों ने भी बहुत इसकी जांच पड़ताल करी, हम भी काफ़ी बगैर उसके नाम के जाते रहे, इसमें नाम लिया, जब उसके बाद गुरु से मिले, गुरु के दर्शन किए हमने, है ना। जब भी हमारा ख्याल बना, सेवा करी हमने, सेवा में भी जब भी ख्याल बना कि आज गुरु जी के दर्शन हों, हमने जैसे पलक झांपी तो हमारे सामने गुरुजी हमेशा नज़र आते थे। जैसे स्कूल की सेवा बन रही थी, एक बार की बात है, वहाँ खाई खुद रही थी, वो डिग्गी खुद रही थी, डिग्गी के अंदर कुछ सेवादार अपने वो क्या नाम है काम कर रहे, सेवा कर रहे थे, तो एक मिट्टी का लोट ऊपर गिर गया और वो इत्तफाक हुआ कि वो सब बच गए, उससे दूर जाके गिरा, तो सभी को ये लगा पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। और उस टाइम गुरुजी का पता था कि गुरुजी है नहीं है, बाहर गए हुए हैं, तो थोड़ी देर में अनाउंस हुआ कि गुरुजी अभी है नहीं है और आप लोग अपनी सेवा जारी रखे। सेवादारों ने सीढ़ी डाल के उनको बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद सारे सहकुशल आ गए और जैसे ही मैं मुड़ के देखता गुरुजी उसी डिग्गी के ऊपर कुर्सी डाले हुए बैठे थे। अब ये मालिक के रूहानी नज़ारे हैं और क्या है ये। सर, गुरुजी ने समाज भलाई के लिए क्या कार्य करे आज तक? समाज भलाई के लिए उन्होंने सबसे पहले तो ये गुरुमंत्र दे के गुरुजी सभी को नशे से छुड़ाते हैं, बुराइयों से छुड़ाते हैं। सीधा साधा एक नारा बनाया हुआ है जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इसका सीधा सा अर्थ है कि भगवान का धन्यवाद करना है और तेरा ही आसरा है, तेरा ही सहारा है। इसी में सभी देवी देवताओं का, सभी का वास होता है, सभी का प्यार होता है इसमें। ये गुरुजी ने हमें सिखाया और इसी के आधार पर सारी संगत करती है। जिसने इसने कोई इस चीज़ को अजमाना है, इसको प्रैक्टिकल करना है, सिर्फ आप नारे का जाप करके देखिए, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, आप इसको लगातार जाप करके देखो, फिर अपने आप ही आपको नज़ारे शुरू हो जाएंगे। सर, वैश्याओं के लिए गुरुजी ने, वैश्याओं को जो मुख्य धारा से जोड़ने के लिए गुरुजी ने क्या कदम उठाए? वैश्याओं के लिए जन जागृति अभियान चलाया था गुरुजी ने, उसके लिए साध संगत जगह जगह रैलियाँ निकाली गई और जो भी इस कृत गंदे काम में जुड़े हुए बच्चे हैं उनको निकालने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं और कर भी रहे हैं और किए भी हैं। और वाश्यावर्ती से निकाल के बच्चों को उनका इलाज करा के आज उनकी डेरे में, एक संसार में पहला ऐसा डेरा है जिसने इस कार्य को किया है। उस वेश्याओं को बेटी बनाकर गुरुजी ने अपना नाम दिया और नाम देने के बाद उनका इलाज कराया, इलाज करा के बाद उनकी शादियां कराई, शादी भी अच्छे संपन्न परिवारों में कराई है। आज परिवार सुख से रह रहे हैं और उनके कईयों के बच्चे हो चुके हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं। कह रहे कि हम तो नरकों में पड़े रहते हैं अगर गुरु जी हमारी संभाल ना करते। इसी प्रकार गुरु जी ने किन्नर जिसको बोलते हैं उसको भी दुख सुख दुआ समाज का दर्जा दिया है। ये गुरु जी की पहल है, जो सुप्रीम कोर्ट में केस डाला गया था उसके आधार पर ही उनको आज थर्ड जेंडर का दर्जा दिया गया। और जब से थर्ड जेंडर का
जज साहब मिला है, उसके बाद ये किन्नर समाज आज कई तो जज बन चुके हैं, कई ISF बन चुके हैं, कई अच्छे अच्छी पोस्टों पे जा चुके हैं, ये किसकी देन है? ये श्री संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की देन है, जिसको आज तक किसी भी मीडिया ने नहीं दिखाया होगा, जो एक फैक्ट है, सच है। सच को जागरूक करने के लिए तो बुरे ज़्यादा अमल करते हैं, बुराई को छोड़ो और सच को जितना जानोगे उतना सच्चाई से आप रूबरू होंगे। सर, समाज को आज गुरुजी की ज़रूरत है लगता है आपको? इसके लिए जी समाज आज बहुत तड़फ रहा है, इस बीमारी से समाज बहुत तड़फ रहा है। समाज के अंदर अच्छाई का बहुत दुख, अच्छाई पे हैवी हो रहा है, बुराई के उसको रोकने के लिए आज लोग तड़फ रहे हैं कि गुरुजी आए और अपने इस संसार को तारे। धरती रक्षक का दर्जा दिया गुरुजी को, उन्होंने ये सिमरन करा के आज अभी भी रिसेंटली आपको बताता हूँ, अभी कल परसों एक भूकंप का झटका आया, कुछ भी आया, इससे पहले गुरुजी के वचन आए कि भाई सभी संगत ने ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करना है, सिमरन करना है, सिमरन पे जोर दिया, सिमरन कर रहे हैं, जगह जगह लगे हुए सिमरन, और सिमरन करने से ही कोई संसार पे आने वाला भयानक से भयानक कर्म काट रहे हैं। यह गुरुजी अपने लिए नहीं गए, इस पूरे संसार के लिए गए हैं, संसार के रचयिता हैं, संसार को संभालने वाले हैं, संसार के भले के लिए ये सब काम कर रहे हैं। अब उन शक्ति को कोई रोक नहीं सकता, किसी के अंदर दम नहीं है शक्ति को रोक सके। सरकार से क्या अपील करोगे सर? मेरी तो सरकार से ये अपील है कि उनके नेक कार्यों को देखते हुए उनको तुरंत रिहा किया जाए और समाज के अंदर अच्छाई आने दो, क्योंकि नहीं तो संसार पूरा ये नरकों में झुक जाएगा, लोग बुरे हाल हो जाएंगे, लूट मार खसोट बुराइयों का बोलबाला हो रहा है, नशे बढ़ते जा रहे हैं, पंजाब का हाल बुरा हाल कर दिया, सारे देशों का स्टेटों का हाल बुरा हो गया। इन बुराइयों से बचाना है, गुरुजी को लाना है, क्योंकि गुरुजी बगैर उधार नहीं है आज समाज के अंदर। सर आपका, जैसा कि आपने देखा लगातार लोग आ रहे हैं, वो सच्चाई क्या है आखिर गुरुजी की बताते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि गुरुजी ने ही किन्नरों को थर्ड जेंडर का दर्जा दिलवाया था, जिसकी बदौलत आज वो सरकारी नौकरी पा सकते हैं या कहीं इज्जत की नौकरी पा सकते हैं। इतना बड़ा स्टेप लिया गुरुजी ने, शायद ही किसी संत पीर फकीर ने किया, वैश्याओं का उद्धार किया, फिर आखिर इतिहास में इतने गुरुओं का नाम दर्ज है तो गुरुजी पे इतने एलिगेशंस क्यों? फैसला आपका है, राय जो भी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।